अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है वो सुना जा रहा था कि आज TAE जो है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट उनकी मीटिंग होनी थी, तो अब जो है आज मैंने वेरिफिकेशन जो है की डिफरेंट रिसोर्सेज से, जिसमें एक रिसोर्स ये भी था कि मैंने लाहौर बोर्ड जो है वो टेक्निकल बोर्ड उसको कॉल की। उनके कॉल जो है अटेंड करने में काफ़ी मसले हुए और उन्होंने एक जो है इन्फॉर्मेशन जो है मुझसे शेयर की, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद 5 डेट को, मतलब कि हमारी परसों की डेट में एक नोटिफिकेशन भी इशू हुआ, और नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन की जो रोशनी में और आज जो मैंने कॉल की उसकी रोशनी में आपके साथ जो है ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि आज आपके इलेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर्स कौन से होंगे, और उनका जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने का जो है वो आया कि वो पेपर में इंक्लूड होंगे, आपके एग्जामिनेशन में इंक्लूड होंगे या उनको स्किप किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है तो हमारे जो इस चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिए और इसको लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को जो है ये मालूमात जो है जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं इस वजह से परेशान हैं। तो जैसा कि आपको आपने ये नोटिफिकेशन जो है वो देख लिया है, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारी जो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने क्योंकि इस सिलेबस को 40% तक पहले ही ऑलरेडी जो है रिड्यूस कर दिया है, तो इसमें कोई चांस नहीं है कि आपके इसमें इलेक्टिव और सब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशन है उनको जो है वो कुछ मद्देनजर रखा जाए। तो इससे ये साबित हुआ है कि आपका जो बोर्ड है वो किसी भी इलेक्टिव और सब्जेक्टिव के चक्करों में नहीं पड़ने वाला, और आपको सारे के सारे जो है पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने जो है कॉल मैंने जो की, कॉल में मैंने ये सारा इशू बताया कि मैम मैं जो है एज ए स्टूडेंट मैंने पे कॉल की, तो मैंने ये पूछा कि आया कि ऐसे कुछ इलेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसे कि FSC और मैट्रिक के सब्जेक्टिव्स हैं तो डिप्लोमा के ऐसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा फिलहाल हमारा कोई डिसीजन नहीं है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्टिव में या इलेक्टिव में डालें, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपके अगर सिलेक्टिव भी हुए, मतलब आपके कुछ जो हैं वो आपके कोर्सेज अगर कुछ पर जो है आपके स्किप भी हुए, तो उनमें सिर्फ 3 पेपर आ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारा इंग्लिश हो सकता है, अगर आपका इस्लामियात या मताले बख्शन है वो हो सकता है, और उसके बाद आपका उर्दू है। इनके अलावा कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर जो है मस्ट होगा। अब इसकी वजह ये है क्योंकि आप जो है वो टेक्निकल बोर्ड में जो है ज़ेर तलीम है, और टेक्निकल बोर्ड में मैथ जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में मस्ट करार दिया गया है। लिहाजा इन र्यूमर्स पर और इन ऐसी फेक न्यूज़ पर आप ध्यान देने की बजाय अपनी तलीम को जो है वो जारी रखें, और इसमें आप किसी किस्म की कोताही ना करें, क्योंकि पेपर जो है अब आपका मस्ट होने हैं और कई जो बोर्ड हैं इसके ऊपर उन्होंने वर्किंग जो है स्टार्ट कर दी है। लिहाजा कोई भी जो है वो आप किसी भी काम ना करें, कोई स्ट्राइक जो है वो आप अमल करने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपके जो फर्स्ट ईयर है उसके चांसेस फिर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं, और उसके साथ ही अगर ये होंगे तो फिर भी वो इलेक्टिव सेलेक्टिव हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम है और ये हमारे चांसेस बहुत कम। लिहाजा इसको जो है अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए। थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।